अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो वायर बैरिंग्स हैं इनको हम AHUs के ब्लोअर की फिटिंग के लिए यूज करते हैं ब्रैकेट के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर किस तरीके से बिल्कुल इजी जस्ट एक लीवर की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अभी मैं आपको इसको पहले बाहर निकाल के दिखाऊंगा, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का तरीका है कुछ, जस्ट आपने एक लीवर को एक साइड पे पुश करना है, वो कौन सी साइड है वो भी मैं आपको बैरिंग बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि कौन सी साइड पे आपने इसको पुश करना है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो बैरिंग है ये बिल्कुल हाथ से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इस बैरिंग को ग्रीस करने के लिए एक होल दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्रीसिंग के लिए होल है। ग्रीस आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको मैं दिखाता हूं आपको। ब्रैकेट के ऊपर भी इसी तरीका का एक होल होगा। आपने इंस्टॉलेशन के दौरान सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये जो होल है, ये भाई जो ब्रैकेट के ऊपर ये वाला होल है, बिल्कुल इसके सामने रख के इसको इंस्टॉल करना, यानी कि इसकी जो साइड इसका सुराख है, इस सुराख के बिल्कुल फेस टू फेस आना चाहिए, ताकि आप ब्रैकेट के ऊपर अगर ग्रीसिंग नोजल लगाते हैं तो वो जो ग्रीस करेंगे वो डायरेक्ट इस सुराख में से आपके जो बैरिंग्स के अंदर चली जाएंगी। तो अब सेकंड नंबर पे आपने इंस्टॉल करते वक्त ये चीज देखनी, ये जो ग्रूव बने हुए हैं ब्रैकेट के ऊपर, आपने इस जगह पे बैरिंग को रख के फिक्स करना है। तो आपने एक तो ये ग्रूव देख लेने हैं, सेकेंड नंबर पे आपने होल की लोकेशन देख लेनी है, उसकी एडजस्टमेंट देख लेनी है, बिल्कुल उसके सामने इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जिस जगह पे आपका सुराख इस जगह पे है तो आपने इस जगह पे रख के बिल्कुल फेस टू फेस रख के, यानी कि इस जगह पे रख के आपने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना बैरिंग को। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, होल को उसके सामने लेके आएंगे जो बैरिंग के कवर के ऊपर होल है। तो इसको आपने जस्ट एकदम से इसको आराम से पुश करेंगे तो ये इसके अंदर बैठ जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप लीवर की मदद से दोबारा इसको पुश कर सकते हैं। तो यही बेसिकली सिंपल सा इजी वे है, आप जस्ट एक लीवर की मदद से। इसमें ख्याल रखने वाली चीज सिर्फ जस्ट आपकी बैरिंग नोजल के सामने आपका बैरिंग आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फिक्स।